पसंद मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर न्यूज इंडिया की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस खास मौके पर एक खास कार्यक्रम में लेकर आया हूं मोदी एट 72। मैं हूं विजय त्रिवेदी। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। विरोधियों को पस्त करने का यह अनोखा अंदाज नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। चाहे रूस के प्रधानमंत्री पुतिन को युद्ध के बजाय शांति पर चलने का पाठ पढ़ाना हो, या फिर विश्व पटल पर देश का डंका बजाना हो, संघ के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचने का सफर तय कर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी के इस खास मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय राजनीति में आज नरेंद्र मोदी को दूर दूर तक टक्कर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ साथ नरेंद्र मोदी का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। लोगों से जुड़ने की कला, उनके कल्चर में रमने का गुण, वेशभूषा, उसके साथ साथ अपनी सशक्त नीतियों के जरिए जनता के दिलों पर राज करने की कला। इसे कहते हैं छा जाना। जब मुल्क पर हुकूमत करने वाला दिलों पर हुकूमत करने लगेगा। नेता जब जनता का हीरो बन जाए, उसकी लोकप्रियता सिल्वर स्क्रीन के सितारों को भी पीछे छोड़ दे। 72 साल की उम्र में ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा और ये फिटनेस, इतनी यात्रा, इतनी दौड़ भाग, इसके बावजूद बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहने का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जनता से गठबंधन ही किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि बहुमत और ऐतिहासिक फैसलों की ताकत जन समर्थन से ही मिलती है। आज के दौर में जनता से गठबंधन में नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी है। जनता से इसी गठबंधन के लिए मोदी ने राजनीति की बनी बनाई परंपराओं को तोड़ा, दायरों को तोड़कर संवाद का सिलसिला कायम रखा, घेरों को तोड़कर रिश्तों की नींव रखी, उम्र और रुतबे के आभामंडल को दरकिनार कर नन्ही उंगलियों को हथेलियों में लिया। मोदी ने 3 बार मुख्यमंत्री के अधिकार लिए और 2 बार प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जनता से समर्थन मांगा, तो जनता ने दिया और इतना दिया कि पुराने इतिहास के कई पन्ने बदल दिए। लोकतंत्र में जन समर्थन ही किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना होता है। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद 2019 में और बड़े अंतर से जीतकर प्रधानमंत्री बने, तो जनता से रिश्तों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है
तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। मोदी करीब 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान मोदी ने गवर्नेंस की परिभाषा ही बदल दी, कामकाज का तौर तरीका बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले हुए कि सब चौंक गए। इन फैसलों का पूरे देश और दुनिया पर ही नहीं बल्कि देश के भूगोल पर भी असर पड़ा। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कभी असंभव लगने वाले फैसलों को संभव बनाकर मोदी ने न सिर्फ भविष्य बदला बल्कि देश की पिछले 70 साल पुरानी हवा भी बदल डाली। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में 130 करोड़ लोगों को घरों में बंद होने के लिए तैयार करना हो या नोटबंदी के बाद कतारों में खड़े लोगों के मन में अपने प्रति लगातार विश्वास बनाए रखना हो, यह सब इतना आसान नहीं होता। जनता के साथ ही हर बड़ा और कड़ा फैसला लेना संभव होता है। जनता से ये रिश्ता गढ़ना, जनता का भरोसा जीतना, जनता से केमिस्ट्री बनाए रखना, जनता से सीधे जुड़ने की जो कला पीएम मोदी के पास है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके आलोचक हो या समीक्षक, समर्थक हो या विरोधी, सब मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ कि आप फिर बने प्रधानमंत्री। आम लोगों से आसानी से कनेक्ट होने का तरीका ही प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन को सबसे अलग और खास बनाता है। मन की बात उन्होंने सीधे जनता से जुड़े रहने के लिए शुरू की थी। धीरे धीरे जब उन्होंने मन की बात में दूर दराज के गांवों और कस्बों के लोगों के योगदान का उल्लेख करना शुरू किया तो वो बात भी आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को एक सूत्र में बांधने लगी। जनता तक ये संदेश जाने लगा कि उनके काम पर प्रधानमंत्री को भरोसा है। गुजरात के अब्दुल गफूर खत्री जी को ही लीजिए, उन्होंने कच्छ के पारंपरिक रोगन पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का अद्भुत कार्य किया। वे इस दुर्लभ चित्रकारी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शैली का कोई सानी नहीं। जनता से कनेक्ट का माहिर खिलाड़ी रिश्तों की अहमियत को भी अच्छे से जानता है, तभी तो किसी भी खास मौके पर वो माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी, देते नहीं, जब भी मिलने जाऊंगा तो 125 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं उन लोगों के बीच रम जाते हैं और वहां की वेशभूषा और संस्कृति को अपना लेते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की देश ही नहीं पूरी दुनिया कायल हो गई है। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance. जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, मोदी है तो मुमकिन है। इन नारों के साथ सत्ता में काबिज होने वाले मोदी कई मामलों में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों पर भारी पड़े हैं। राम मंदिर निर्माण की बात हो या फिर अनुच्छेद 370 हटाने का मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई फैसले किए जिसकी वजह से उन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। 2047 में भारत आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा। किसी भी लोकतंत्र के लिए
100 साल पूरे करना बेहद गर्व का क्षण होता है। ऐसे में आने वाले 25 साल कैसे हो, इस बात का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पेश किया। लाल किले की प्राचीर पर लहराते तिरंगे के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आने वाले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा सेट कर दिया। इसके लिए उन्होंने खासकर युवाओं से विशेष सहयोग मांगा और पंच प्रणों के माध्यम से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी। 73वें बसंत में प्रवेश कर चुके नरेंद्र मोदी न सिर्फ जनता से कनेक्ट होना जानते हैं, बल्कि मिथकों और कल्पना से परे फैसले लेने में भी माहिर हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला रहा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करना। कोई भी नेता और दल इस मुद्दे को छेड़ने से अब तक डरता रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे कर दिखाया। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को खत्म करने का बड़ा फैसला, ये बताते हैं कि उन्होंने मजबूती से कदम उठाए और अडिग रहे। इसके अलावा पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाने की बात, सीमा लांघकर भारतीय सेना ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक की। आतंकियों को जवाब देने के लिए यह फैसला लिया गया। इसके कारण पूरी दुनिया ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर नेस्तनाबूद कर सकता है। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। मुश्किल फैसले लेने से वो कभी पीछे नहीं हटे। काले धन और टेरर फंडिंग पर नकेल कसने के लिए उन्होंने नोटबंदी लागू की। जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था लागू की। साथ ही बैंकों का विलय करने का फैसला हो। इसके अलावा एसपीजी प्रोटेक्शन खत्म करने का मसला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बनी बनाई परंपराओं को तोड़ा और वो कर दिखाया जो बाकी नेता नहीं कर सके। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी योजनाओं के मामले में सबसे आगे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जनधन योजना, मेक इन इंडिया, सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन जैसी तमाम लोकप्रिय योजनाएं लॉन्च हुई। धड़ाधड़ योजनाएं लॉन्च होने से उनकी विकास पुरुष की उम्मीद और मजबूत हुई। इस दौरान सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर रहा। शौचालयों की व्यवस्था हो या स्कूलों का मिड डे मील, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया। संसाधनों के बंटवारे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई।
आजाद भारत में वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 8 वर्षों से सत्ता पर आसीन है। कोरोना की महामारी जैसी अप्रत्याशित आपदा के दौरान भी मोदी की लीडरशिप में बड़े फैसले लिए गए, इसने लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया। मैं यूएनजीए को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक और मिथक तोड़ा, वो है पहले प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे पर बोलने और हाथ डालने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक दिखता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण राम मंदिर में भूमि पूजन के दौरान देखने को मिला, जहां उन्होंने खुद उसकी नींव की ईंट रखी। साथ ही काशी से लेकर केदारनाथ और सोमनाथ से लेकर मथुरा तक मंदिरों को भव्यता और दिव्यता प्रदान की। यानी एक ओर जहां वो प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों को निभाने में आगे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को भी बरकरार रखते दिखाई दिए। इसीलिए तो मोदी के प्रशंसक कहते हैं कि मोदी ने जो कहा वो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संघ के आम प्रचारक से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचने का सफर तय करना किसी भी आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अथक परिश्रम, कार्यकुशलता और लोकप्रियता के दम पर न सिर्फ सत्ता की चाबी हासिल की बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। संघ में भट्टी में तपने से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सफर कुछ ऐसा रहा है जैसे शून्य से 100 तक की गिनती गिनने का होता है। एक शख्स कड़े संघर्ष के बाद शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है, और जब वह उस शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी मेहनत और लगन की वजह से लोग उस युग या समय को उसके नाम से जानने लगते हैं। राजनीति में यही कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्मा एक शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा, शायद ये संघ में भी शामिल होते वक्त नरेंद्र मोदी ने ना सोचा होगा। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। संघ की पहचान है कि वो सीधे तौर पर राजनीति में हिस्सा नहीं लेता। तो 1980 में संघ की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। वो 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में गुजरात में अहम भूमिका निभाई। मोदी का सियासी कद उस वक्त बढ़ा जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा की सारी जिम्मेदारी संभाली। श्रीनगर की लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लाइमलाइट में आ गए। इसके बाद साल 1995 में उन्हें पार्टी ने और ज्यादा जिम्मेदारी दी। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद
नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। एक आम परिवार से निकलकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले नरेंद्र मोदी के लिए आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। मोदी ने जब साल 2001 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा कांड हुआ। इसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पर कई संगीन आरोप लगे। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की बात तक होने लगी तो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उनके समर्थन में आ गए। मोदी जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी अदालत में सिद्ध नहीं हुए। गुजरात में हुए दंगों को बमुश्किल 9 महीने गुजरे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा बहुमत दिलाया। मोदी ने गुजरात की सत्ता की इस कदर नब्ज पकड़ी कि उन्होंने 2007 और 2012 में भी फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। फिर बारी आई साल 2013 की। बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनावों में हार झेल चुकी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार भी बीजेपी आडवाणी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सितंबर 2013 में बीजेपी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी ने प्रचार अभियान की कमान संभाली। जनता से कनेक्ट होने की जो कला उनके पास थी उसे हथियार बनाया और फिर जब 23 मई को ईवीएम खुले तो बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति पर मोदी राज चल रहा है। जहां भी चुनाव होते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा सिर्फ मोदी होते हैं और मुद्दा डबल इंजन सरकार। डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा। डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव। डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि। कांग्रेस तो कांग्रेस, आज नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की राजनीति को लगभग खत्म कर दिया है। जो छोटे दल सरकारों को बनाने और गिराने की भूमिका निभाते थे आज हाशिए पर हैं। मोदी के करिश्मे और केमिस्ट्री के सामने परिवार आधारित राजनीतिक दलों का सामाजिक गणित नाकाम साबित हो रहा है। आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना हो। आज अगर देखा जाए तो मोदी की छवि उनके कैडर आधारित पार्टी से बड़ी हो गई है। वो कईयों के लिए उम्मीद और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। आज देश में कोई भी मोदी की हैसियत में नहीं है और वो आक्रामक अंदाज की राजनीति करते हैं। पार्टी का तंत्र केवल चुनावी मौसम में नजर आता हो ऐसी बात नहीं है। पार्टी स्थायी तौर पर चुनावी अभियान में जुटी नजर आती है। आज मोदी ने बीजेपी को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े दल में तब्दील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए नरेंद्र मोदी के अनोखे अंदाज। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।